जमाना फिर होट विच बन के बंडाला फिर दे नी मुंडे पिटाई आले बन के बंडाला फिर दे बंडाला फिर दे सो हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको जो यहाँ पर इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आपको फोटो क्रॉप करना पड़ेगा। तो आपको गाइस करना क्या है कि आपको टोटल 5 इमेज को क्रॉप कर लेना है, ठीक है? जब आप इमेज को क्रॉप कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वाले प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा तो आप इसलिए डाउनलोड कर लेना, ठीक है? करने के बाद उसको ओपन करना और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेयर वगैरह। तो सिंपली क्या करना, स्टार्टिंग पे आना, इस पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करना, टेक्स्ट पर क्लिक करके ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम अलाइट मोशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अलाइट मोशन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, कोई भी इमेज को आप सिलेक्ट करना, सबसे पहले प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है? आपका इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये वाला इमेज ऐड हो गया, ठीक है? फिर आपको आगे आना है, फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लेयर मिलेगा, ठीक है? तो सिंपली क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना, करंट फ्री पे जाना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, कोई दूसरी इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है? आपका इमेज यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर आपको आगे आना है, कलर इनफी पे आना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर वही इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इमेज को ऐड करना है, ठीक है? जहाँ तक डबल बिटमैप रहेगा उससे पहले आपको इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है? फिर आगे आना, इस पर क्लिक करना, कलर इनफी पे आना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, वही इमेज को फिर सिलेक्ट कर लेना। फिर आगे आना है, इस पर क्लिक करना, कलर इनफी पे आना, टेक्स्ट पे क्लिक करके वही इमेज को यहाँ पर सिंपली ऐड कर देना। करने के बाद फिर आपको आगे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपको डबल बिटमैप मिलेगा, फिर यहाँ से इमेज को चेंज कर देना, फिर डबल बिटमैप मिलेगा, फिर यहाँ से आगे आके फिर इमेज को चेंज कर देना। इससे देख सकते हैं यहाँ पर फिर ये डबल बिटमैप है, तो यहाँ से सिंपली इमेज को चेंज कर लेना आपको, ठीक है? डबल बिटमैप के बाद तो सिंपली जो भी इमेज को आप ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर देना इस तरह से, करंट व्यू जाना, टेक्स्ट पर क्लिक करना और कोई दूसरी इमेज को ऐड कर देना, ठीक है? तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा एंड तक अपनी इमेज को ऐड करना है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह से पूरा एंड तक इजीली ऐड कर लेना। जब आप ऐड कर लोगे पूरा एंड तक, उसके बाद आपका क्या होगा, एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा इजीली, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा एंड तक इस तरह से कर लेना है, ठीक है? जब आप कर लोगे उसके बाद आपका एडिटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव आइकन पे जाना, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।